हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चलो तिवारी एंटरप्राइज वंस अगेन। भाई जो गाड़ी आपके सामने वो एक्सयूवी 300 हो, जो मॉडल है भाई W4 वर्जन है। अगेन जो मॉडल वर्जन रहने वाला है पेट्रोल है, आपको दिखा दो क्या क्या काम हो इस गाड़ी के अंदर। अगेन जो स्टार्ट में करूंगा भाई वो गाड़ी के सीट कवर से रहने वाला है, जो कि अगेन फुल बकेट सीट को रहेगा। आप देखोगे भैया ने व्हाइट गाड़ी है भैया की, और ये भैया ने जो सीट को चूज किया है ब्लैक विद व्हाइट डायमंड चूज किया है, जो कि फिटिंग ये रहने वाली है। लेदराइट जो है भाई वो अगेन इम्पोर्टेड लेदर रहने वाला है, जिसकी हम लाइफ टाइम की गारंटी देते हैं। इसकी फिटिंग और इसकी बफिंग आप यहां से चेक कर सकते हो। ये जो फिटिंग है भाई, ये लुक रहने वाला है इस गाड़ी के सीट कवर का। बैक साइड से आओगे, बैक साइड से भाई मैं आपको दिखाऊं तो ये गाड़ी का सीट है। इसके अंदर हमने रियर हेडरेस्ट इंस्टॉल किया भाई, अगेन दो जो मैं हटा के दिखाता हूँ। ये देखो भैया, बार फिक्स करना, फिर से फिक्स कर दो नीचे, नीचे होगा हुआ। ये प्रॉपरली भाई फिक्स हो जाएगा, प्रॉपरली रिमूवल है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई जुगाड़ नहीं है भाई, अगेन प्रॉपर फिटिंग है। देन इसकी सीट को फिटिंग जो रहने वाली है, ये रहने वाली है आप देखोगे तो फुल बकेट सीट कवर, दो हेडरेस इसके अंदर इंस्टॉल हुए थे गाड़ी के अंदर। देन मैं इसके बैक साइड से आप चेक करूं तो भाई पीछे हमने अगेन प्रॉपरली कारपेट यूज किया है, जो प्रॉपरली OEM आपको लगेगा। इसके बाद जो गाड़ी में काम रहने वाला वो इसके फ्लोरिंग मैटिंग पे था, जो मैटिंग की फिनिशिंग में आपको दिखाऊं तो ये है भाई मैटिंग की फिनिशिंग, कुछ ये रहने वाली है यहां से कुछ ये। इसके बाद मैं बैक साइड से आपको दिखाऊं, ये भी है इसकी मैटिंग की फिनिशिंग रहने वाली है। इसके ऊपर भैया ने 70 मैट्स लगाए, जो कि प्रॉपरली XUV 300 के मिलेंगे आपको। ये 70 मैट्स है, अगर मैं आपको आगे से दिखाऊं 70 मैट्स की फिनिशिंग, तो ये कुछ भाई 70 मैट्स की फिनिशिंग रहने वाली है। इसके बाद जो भाई गाड़ी में काम रहने वाला वो इसके स्टीयरिंग कवर पे है, जो कि आप देखोगे OEM स्टीयरिंग कवर है। ये आप फिनिशिंग देखोगे भाई स्टीयरिंग कवर की, ये OEM स्टीयरिंग कवर की फिनिशिंग रहने वाली है। देन इसके बाद जो हमने सिस्टम के अंदर काम किया वो इसके ये भाई डैप्स का एंड्रॉयड रहने वाला है। गाड़ी के अंदर प्रॉपरली 4 शीट्स की डैम्पिंग हुई है, पोर्ट में 1 शीट डैम्पिंग हमने करी है, प्लस जो हमने स्पीकर्स यूज किया एवेटार के कंपोनेंट, पीछे हमने एवेटार के कोएक्सियल स्पीकर्स लगाए हैं। मैं आपको साउंड जरूर चेक कराने वाला हूं अभी। साथ साथ हमने इस गाड़ी के अंदर स्टीयरिंग कंट्रोल्स भी लगाया, देखोगे ये भाई स्टीयरिंग कंट्रोल्स। इसके अंदर हमने भाई ये वाला पोर्शन भी यूज किया है, ये लगाया है, प्लस हमने ये क्रूज भी लगाया है। लेकिन भाई अगेन मैं बोल रहा हूँ क्रूज अभी वर्केबल नहीं है इस गाड़ी के अंदर, जो ये वाला पोर्शन है प्रॉपरली वर्क करेगा। मैं आपको चेकआउट करवाने वाला हूँ भाई एंड्रॉइड का, मैं एक बार आपको टच चेक करवा देता हूँ। ये इसका टच रहने वाला है, अगर आप चेक करोगे तो एक स्मूथ टच है भाई, नो डाउट। देन इसके बाद मैं आपको NCS चेक करवा देता हूँ साउंड। ये हमारा स्टीयरिंग कंट्रोल्स है भाई, भाई साउंड रहने वाला गाड़ी के अंदर। आई होप एक अच्छा साउंड लगा आप लोगों को, एक डिसेंट साउंड है भाई। इसके अंदर भैया ने एक अच्छे स्पीकर से वाया, नो डाउट गाड़ी बैठ के चलाने में बड़ा मजा आएगा, मैं आपको बताऊं अभी भी इस साउंड के साथ। ये भाई सिस्टम का साउंड था, अपने स्टीयरिंग कंट्रोल ऑलरेडी मैंने चेक करवा दिया आपको, साथ साथ प्रॉपरली भाई वर्क डे इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। स्टीयरिंग कंट्रोल को आज गाड़ी जो काम हुआ है वो है इसका सनग्लास होल्डर्स पे, आप ये देखोगे अगेन। इसकी फिटमेंट मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, हम पीछे वाली लाइट से नहीं करते हैं, जो ये लाइट है इसका हम प्रॉपरली डोर से लाइट करते हैं भाई। अगर मैं देखो ये डोर मैं खोलता हूँ, ड्राइवर वाला प्रॉपरली लाइट जल गया है, अगर मैं क्लोज कर दूं डोर तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। प्लस इसका सनग्लास होल्डर आपका ये रहा, इसके अंदर प्रॉपरली भाई पेचेस है। फ्रंट पोर्शन में जो काम हुआ है भाई गाड़ी के अंदर, वो इसके हेडलैम्प में अभी हमने HID इंस्टॉल की है, जो कि ब्रांड रहने वाली एडिशन की। हमने भाई हेडलैम्प पे DRL लगाया है, हमने ये WDRL लगाया और एक फॉग लैंप्स इसके अंदर इंस्टॉल किया है। अगर आप देखोगे तो ये इसकी फिटिंग रहने वाली है। इसकी जो लाइट सब हो गई है भाई, ये प्रॉपरली व्हाइट हो गई है। नीचे वाली भी हमने LED के अंदर LED इंस्टॉल किया है, जो कि लाइट इसकी व्हाइट होने वाली है। प्लस भाई जो इसकी फॉग लाइट की स्विच है, हमने पार्किंग से कनेक्शन नहीं करके, इसको ओरिजिनल जो कंपनी देती है वैसा सेम स्विच हमने करके दिया भैया को। मैं आपको चेक कराता हूँ अभी, आप देखोगे मैंने चाबी लगा दी जिसके अंदर भैया का DRL चालू हो गया,
भैया का भी मैं अब भाई लाइट चलाता हूँ आपको। ये जो पोर्शन है ये वाला देखोगे, ये वाला इससे मैं अब एक भैया की गाड़ी का हेडलाइट चालू हो गया। अब ये जो जिसके अंदर कंपनी करके दे दूसरे वाला, ये देखोगे ना आप, ये वाला इससे भैया का कनेक्शन फॉग लैंप्स का हुआ है। ये गाड़ी की लाइट रहने वाली है जिसकी लाइट मैं आपको दिखाऊं। तो ये भाई गाड़ी की लाइट सामने आप देखोगे एक्टिवा के अंदर, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं, ये गाड़ी की लाइट है। तो ये एक अच्छी लाइट है भाई, नो डाउट। जिसको गाड़ी के अंदर लाइट कमी लगती है उसके एक अच्छा ऑप्शन है, ऊपर हेडलैम्प में HID, नीचे LED इंस्टॉल करवाना। मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ, देखोगे जो ओरिजिनल पॉइंट है। अगेन मैं बंद कर रहा हूँ इसको, ये देखो फॉग लैंप बाबू का भाई बंद हो गया है। ये चालू करो तो फॉग लैंप चालू हो चुका है, मतलब जो अगर फॉग लैंप की जो हमने कनेक्शन किया था वो अगेन ओरिजिनल वाले स्विच में ही किया है, अलग से नहीं लगाया कुछ भी। WADRL की फिटिंग या भाई फिनिशिंग आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। कई लोग बोलते हैं भाई WADRL की फिनिशिंग कैसी रहने वाली है, तो ये रहने वाली भाई WADRL की फिनिशिंग। इसके बाद जो फ्रंट पोर्शन में काम होता भैया अगेन वो क्रोम वर्क का काम था। आप देखोगे ग्रिल के अंदर हमने क्रोम वर्क किया था, प्लस फ्रंट पोर्शन पे नीचे ABS गार्ड हमने इंस्टॉल किया था भैया गाड़ी के अंदर, जो कि अगेन जो ब्रांड रहने वाला वो वेलकम का था। फ्रंट से भी अगर पोर्शन जो लुक है वो W8 ऑप्शनल सेम है। बैक साइड से मैं अगर आपको दिखा दूं, रिफ्लेक्टर भैया ने कंपनी से लगवाए ऑलरेडी, ये भैया का नंबर प्लेट क्रोम जो कि ओरिजिनल महिंद्रा वाला होता है। देन बैक साइड से भैया का हमने ये ABS गार्ड जिसकी फिनिशिंग ये रहने वाली है, अगेन जो कि ब्रांड रहने वाला वेलकम का ही रहेगा। इसके साथ साथ भाई जो गाड़ी में काम हुआ इसके स्पॉयलर पे है, जो कि आप देखोगे कि हमने लाइट वाला स्पॉयलर इंस्टॉल किया है। इसकी फिटिंग प्रॉपरली फिटेड है भाई। ब्रेक, ये है गाड़ी का बैक साइड से फिनिशिंग लुक। ब्रेक हटाइयो, ये भाई रहने वाला है। इसके साथ साथ जो गाड़ी में काम हुआ था भाई वो अगेन इसके रूफ रील पे हुआ था, जिसके हमने सिलिकॉन पेस्टिंग करके दिया भैया को, ये अभी नहीं हटने वाला भाई। साइड फिटिंग और डोर वाइजर भैया ने कंपनी से इंस्टॉल ऑलरेडी करवा लिए थे। इसके साथ साथ एक लोअर गार्निश, व्हील कवर जिसके अंदर भैया हमने अलॉय जो व्हील था भैया वो ऑलरेडी हमने पेंट कर दिया है, स्प्रे कर दिया ब्लैक। ये भैया गाड़ी का लुक रहने वाला है भाई। इस गाड़ी के अंदर जो हमने लगाया था वो RD का सेंटर लॉक लगाया था, जिसके आप देखोगे हमने फ्लिप की भी भैया करवा के दी है कि मैं गाड़ी लॉक करूं तो गाड़ी लॉक, गाड़ी अनलॉक। और भाई गाड़ी प्रॉपरली स्टार्ट हो रही है, अभी हमने चेक ऑलरेडी कर लिया ये चीज। भैया क्या नाम है अपना? मनोज। मनोज भैया गाड़ी कहाँ की है? छतरपुर दिल्ली की। दिल्ली की है ना भैया। भाई एक बात मैं आपको बता दूं, जो भैया की गाड़ी थी 216 किलोमीटर है, लगभग 16 किलोमीटर तो हमारे पास ही चल गया होगा, मतलब भैया सीधे शोरूम से हमारे पास ही गाड़ी लेके आए हैं। भैया कितना टाइम लगा पूरे काम के अंदर आपको, इस पूरे काम के अंदर? तकरीबन 6-7 घंटे लग गए। कितने बजे आ गए थे भैया आप? मैं 2 बजे आ गया था। 2 बजे आ गए थे, अभी टाइम जो हो रहा है भाई वो अप्रोक्सीमेट 9 बजने वाले, 9 बज गए, मतलब 8 घंटे लग गए भैया को। काम कैसा लगा अभी तक जो जेन्युइन आपने? क्योंकि आप खड़े हो गए काम करवाया आपने। मैं तो खड़े, मैं सामने ही खड़ा था, जो भी कर रहे थे बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे जी भैया, और मतलब जेन्युइन काम जो करते ही है वो जी भैया, तो अच्छे तरीके से ही कर रहे थे, कोई वायरिंग कटिंग वीटिंग कुछ नहीं हुई थी, जो पार्ट जिधर अच्छे से बिठाने थे वो प्रॉपर तरीके से बिठा रहे थे। टोटल कॉस्टिंग कितनी आई आपको इस पूरी गाड़ी के अंदर? कॉस्टिंग मेरी हुई थी 85,000 तक हुई थी जी, और फिर भी थोड़ा सा डिस्काउंट करके भैया ने कर दी 80,000 तक किया भाई। ये है भैया का फीडबैक। भाई प्लीज आपको इस गाड़ी के अंदर भी काम करवाना है, आपको टाइम देना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता है। प्लस आपने फीडबैक सुन लिया, 8 घंटे लग गए थे, 80,000 की कॉस्टिंग आई है पूरी गाड़ी के अंदर। बाकी किसी भी गाड़ी के मॉडिफिकेशन, तिवारी का एक्सेसरीज, तिवारी एंटरप्राइज पे आ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉच, कीप सब्सक्राइब।